नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फोटोन अकेडमी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि कुछ पर्टिकुलर बैंक 1 अप्रैल से अन्य बैंकों के साथ मर्ज कर दिए जाएंगे। ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा हुआ इसलिए है कि 30 मार्च 2020 को RBI ने ऑफिशियली ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन पास किया है, जिसमें कहा गया है कि पर्टिकुलर 6 बैंक मर्ज होके इन 4 बैंकों के साथ काम करेंगे। उसमें अब हम देखेंगे कि कौन से बैंक किस बैंक के साथ मर्ज हो रहे हैं। तो सबसे पहले RBI ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहा है, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी, जिसमें कहा गया है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जाने जाएंगे। दूसरा, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाएंगे 1 अप्रैल से। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया है कैनरा बैंक के साथ। एंड लास्ट, अलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक के साथ। अब हम देखते हैं कि ये ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफिकेशन निकाला गया है RBI द्वारा, इसमें डिटेल में कहा क्या गया है। तो अब हम देखेंगे कि ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफिकेशन निकाला गया है RBI द्वारा, वो क्या कहती है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो RBI ने नोटिफाई करी है, जिसमें कहा गया RBI नंबर 2019/2020/197, जिसमें कहा गया कि अमालगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया था, वही इसमें डिटेल में कहा गया है। अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। इसमें लिखा है, अमालगमेशन ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया विद पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक विद कैनरा बैंक, अलाहाबाद बैंक विद इंडियन बैंक हैव बीन नोटिफाइड वाइड द गजट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 153, 154, 155, 156 डेटेड 4 मार्च 2020। रिलेशन में 28 मार्च को कुछ प्रेस रिलीज भी निकाला गया था, जिसमें सेम बात कही गई थी, वो देखेंगे हम। ये है 28 मार्च की प्रेस रिलीज, जिसमें RBI ने कहा था कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज 1 अप्रैल से ऑपरेट करेंगी एज अ पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेज। दूसरी नोटिफिकेशन में कहा गया कि आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो ऑपरेट करेंगी एज अ ब्रांचेज ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सेम चीज कही गई सिंडी बैंक के रिलेशन में और सेम चीज कही गई अलाहाबाद बैंक के रिलेशन में। तो ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी जो RBI ने निकाली है, जिसमें कहा गया है कि पर्टिकुलर 6 बैंक नए 4 बैंकों के साथ मर्ज हो जाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल के बाद अगर आप कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको पुराना जो अभी तक आप IFSC कोड यूज करते थे, वो यूज ना करके न्यू बैंक्स का IFSC कोड यूज करना है, ताकि आपकी कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन रुके नहीं और स्मूथली चलती रहे। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि कौन से 6 बैंक हैं जो नए 4 बैंकों के साथ मर्ज हुए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नीचे दी गई ईमेल आईडी पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।